जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं सभी अच्छे होंगे। साथियों, प्रतिदिन की तरह जो आज की सीसीएस यूनिवर्सिटी की न्यूज है वो मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूं, और साथ के साथ जो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछ रहे हैं उनके भी आंसर करने वाला हूं। बच्चों के बहुत सारे कंफ्यूजन है अपने प्रमोट को लेकर के, हम प्रमोट हुए हैं नहीं हुए हैं सर, क्लियर कर दीजिए। दूसरा है, कुछ बच्चे डेट शीट में उनके पेपर नहीं मिल रहे हैं, तो उनका बहुत बड़ा कंफ्यूजन है, वो भी मैं आपको क्लियर करने वाला हूं। तो वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा, आपके जितने भी क्वेश्चन क्वेरी हैं उन सब के आंसर मैं इस वीडियो में देने वाला हूं। वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, लेकिन वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा, आपको इस वीडियो में आंसर आपका मिलने वाला है। तो चलिए साथियों, बिना किसी देरी के करते हैं आज की वीडियो को शुरू। साथ ही वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे कहूंगा, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि सीसीएस यूनिवर्सिटी जुड़ी कोई भी अपडेट होती है सबसे पहले मैं आप तक पहुंचाता हूं इस चैनल के माध्यम से। साथियों, सबसे पहले बात करते हैं जो शिक्षा जगत से जुड़ी हुई दो बड़ी खबर है उनके बारे में। तो साथियों, सबसे पहली जो खबर है वो ये है कि बीटीसी 2021 के लिए जो पूरा एडमिशन की प्रक्रिया है उसको जारी कर दिया गया है, यानी कि जो डीएलएड कोर्स है हमारा उत्तर प्रदेश में, डीएलएड कोर्स के लिए जो आवेदन की प्रक्रिया है वो अब जो है स्टार्ट हो जाएगी। यानी कि जो हमारा 2020 में सेशन जीरो कर दिया गया था, लेकिन अब 2021 में डीएलएड के लिए यानी कि बीटीसी के लिए आपके आवेदन की प्रक्रिया 20 जुलाई से आपकी स्टार्ट कर दी जाएगी। 15 जुलाई तक आपका जो है विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा और 20 जुलाई से आप आवेदन कर सकते हैं डीएलएड कोर्स के लिए, और उसका जो लास्ट डेट होगी वो आपकी 10 अगस्त होगी, और 11 अगस्त तक आप अपना जो है उसमें फीस सबमिट कर सकते हैं, और फाइनल सबमिट करने की जो डेट है वो है 12 अगस्त। 12 अगस्त तक आप फाइनल सबमिट कर सकते हैं। पूरी डिटेल में कौन कौन इसको आवेदन कर सकते हैं, क्या किस तरीके से प्रक्रिया रहेगी, क्या इसमें आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाने वाला हूं, वो आज आपको मिल जाएगी डिटेल में। तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। आगे बात करते हैं, दूसरी जो सबसे बड़ी न्यूज ये है, गुड न्यूज, जिन बच्चे जो बच्चे अपना टेट पास करते हैं यानी कि उत्तर प्रदेश में जो टेट है अब उसको आजीवन मान्य कर दिया गया है, यानी कि वो जो है आपका लाइफ टाइम के लिए वैलिड कर दिया गया है, जो कि पहले 7 साल के लिए होता था, अब उसकी जो लाइफ है पूरी लाइफ के लिए वो वैलिड कर दिया गया है। यदि आप एक बार टेट पास कर लेते हैं तो अब वो सर्टिफिकेट आपका यानी कि लाइफ टाइम चलने वाला है। तो ये दो बड़ी गुड न्यूज थी आपका शिक्षा जगत से जुड़ी हुई। अब बात करते हैं सीसीएस यूनिवर्सिटी से रिलेटेड। तो सीसीएस यूनिवर्सिटी से रिलेटेड आपकी बहुत सारी क्वेश्चन क्वेरी हैं, तो सबसे पहले उनके बारे में बात करते हैं। तो साथियों, सबसे पहले जो बच्चों का कंफ्यूजन है कि हम प्रमोट हुए हैं या नहीं हुए हैं उसके बारे में बात करते हैं। साथियों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जैसे कि आपका कोई किसी भी एक कोर्स की हम बात करते हैं, जैसे बीबीए की बात करते हैं, तो वही सेम बीसीए के लिए होगा, बीजीएमसी के लिए होगा, सभी के लिए वही फॉलो करेगा, यानी कि जो सेमेस्टर मोड है तो उसमें आपका बिल्कुल क्लियर है जो फाइनल सेमेस्टर के आपके एग्जाम कराए जाएंगे, यानी कि फाइनल सेमेस्टर के आपके एग्जाम होंगे। अब उसके अलावा जैसे आपका सेकंड सेमेस्टर था इस बार या आपका फोर्थ सेमेस्टर है, तो उसका आपको प्रमोट कर दिया गया है, बिल्कुल क्लियर है, आपको प्रमोट कर दिया गया है। अब कुछ कोर्सेज इसमें ऐसे हैं जिनके फर्स्ट सेमेस्टर के भी एग्जाम नहीं हुए थे या थर्ड सेमेस्टर के एग्जाम नहीं हुए थे, तो उसमें आपके यदि फर्स्ट सेमेस्टर या थर्ड सेमेस्टर के एग्जाम नहीं हुए थे तो उन एग्जाम को कराया जाएगा, या कुछ उनके एग्जाम हो चुके थे, थर्ड सेमेस्टर के कुछ एग्जाम हो चुके थे, कुछ रह गए थे, तो जो एग्जाम रह गए थे उनको पूरा कराया जाएगा। यानी कि आपको जो ऑड सेमेस्टर है ऑड सेमेस्टर के एग्जाम देने होंगे। इवन सेमेस्टर को प्रमोट कर दिया गया है, इवन सेमेस्टर में सिर्फ फाइनल ईयर के एग्जाम होंगे। अब बच्चों का यहाँ पर एक और क्वेश्चन है कि सर, हमने एक्स भरी थी या बैक भरी थी आपकी, जैसे सेकंड सेमेस्टर की या फोर्थ सेमेस्टर की, तो उसके एग्जाम होंगे या नहीं होंगे, या हमने इम्प्रूवमेंट भरा है या डिवीजन इम्प्रूवमेंट भरा है तो उसके लिए हमारे एग्जाम होंगे या नहीं होंगे। बिल्कुल आपके एग्जाम होंगे, लेकिन वो जो आपके एग्जाम है वो आपके अक्टूबर के आसपास में कराए जाएंगे, यानी कि सितंबर या अक्टूबर में वो आपके एग्जाम कराए जाएंगे, अभी नहीं होंगे, लेकिन उनके जो आपके एग्जाम है वो एग्जाम कराए जाएंगे। आई थिंक आपको ये सब सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। साथियों, आगे बढ़ने से पहले एक इन्फॉर्मेशन आपके साथ मैं शेयर करना चाहूंगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बहुत सारे मैंने इंपोर्टेंट लिंक्स दिए हुए हैं, जैसे कि यदि आप गवर्नमेंट की तैयारी करना चाहते हैं तो उसके लिए टारगेट विद गुरुजी पर आ सकते हैं, यदि आप प्रोग्रामिंग सीखना चाहते हैं तो उसके लिए आप लर्निंग विद अर्निंग के चैनल पर आ सकते हैं, और यदि आपको भी पर डे की अपडेट चाहते हैं, आप जो न्यूज़पेपर की कटिंग आती है जो पर डे मैं अपडेट डालता हूं वो, उसके लिए आप फेसबुक पेज पर आ सकते हैं। फेसबुक पेज पर प्रतिदिन मैं अपनी अपडेट देता हूं, तो आप वहां पर भी फेसबुक पेज पर भी अपना जो फॉलो
कर सकते हैं। तो साथियों आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं, आगे जो आपका बच्चों का कंफ्यूजन है बीएड वाले बच्चों का, कि बीएड वाले बच्चे के फर्स्ट ईयर हम प्रमोट हुए हैं या नहीं हुए हैं। बिल्कुल मैंने आपको क्लियर कर दिया था कल भी कि बीएड फर्स्ट ईयर बिल्कुल प्रमोट हो चुका है, बिल्कुल क्लियर है कि आप प्रमोट हो चुके हैं। बस आपको ध्यान के रखना है कि आपके मार्क्स इस बार नहीं आएंगे, आप जो सेकेंड ईयर में जितनी मेहनत करेंगे आपके सेकेंड ईयर के अकॉर्डिंग आपके फर्स्ट ईयर के मार्क्स आने वाले हैं। यानी कि आपके फर्स्ट ईयर में अभी कोई मार्क्स नहीं आएंगे, आपको जनरल प्रमोशन मिलने वाला है। सेकंड ईयर के अकॉर्डिंग आपके फर्स्ट ईयर के मार्क्स दिए जाएंगे। सेकंड ईयर के एग्जाम कंफर्म है, उनकी डेट शीट भी जारी कर दी गई है, यानी कि 1 सितंबर से उनके एग्जाम होने हैं, उनकी डेट शीट भी जारी कर दी गई है। तो फाइनल ईयर वाले बच्चे जो बीएड 2 ईयर बीएड है उसमें फाइनल ईयर वाले बच्चे अपना जो है एग्जाम की तैयारी करते रहें। उसमें जिन्होंने एक्स भरी थी अपनी 2020 की या 19 की, तो उनके भी एग्जाम उसी डेट पर कराए जा रहे हैं, यानी कि उनकी भी डेट शीट जारी कर दी गई है। अब बच्चे आगे मेडिकल के लिए पूछ रहे हैं, जैसे बीपीटी है, नर्सिंग है, एएनएम है, जीएनएम है, तो उसके लिए अभी कोई आदेश जारी नहीं हुआ है, यानी कि उनके लिए 1 या 2 दिन में फाइनल हो जाएगा, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, इसी वीक में फाइनल हो जाएगा। जैसे ही उनके लिए फाइनल होगा तो उनके लिए भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा इसी चैनल पर। आगे बच्चे बात कर रहे हैं डी फार्मा के बारे में कि डी फार्मा प्रमोट हुआ है फर्स्ट ईयर या नहीं हुआ है। डी फार्मा प्रमोट हुआ है, अभी जैसे लास्ट ईयर उनके प्रमोट के मार्क्स आए थे, यानी कि कॉलेज से जो उन मार्क्स गए थे उसी के अकॉर्डिंग उनके मार्क्स दिए गए थे, यानी कि जो कॉलेज से उनके सेशनल मार्क्स गए थे उसी के अकॉर्डिंग उनका रिजल्ट आया था। इसी तरीके से आपका इस बार भी डी फार्मा फर्स्ट ईयर के जो आपके सेशनल के मार्क्स जाएंगे और उसके बाद में उनका रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। इसके बाद में आपका जो सेकेंड ईयर है डी फार्मा, उनके एग्जाम कराए जाएंगे, बिल्कुल कन्फर्म है डी फार्मा के सेकेंड ईयर के एग्जाम कराए जाएंगे। अब आगे बात करते हैं जो बाकी हमारे एग्जाम होने हैं सीसीएस यूनिवर्सिटी के, तो उनमें मैक्सिमम कोर्सेज की जो डेट शीट है वो जारी कर दी गई है। डेट शीट को लेकर बच्चों में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है, तो लगभग जो मैक्सिमम कोर्सेज हैं उनकी डेट शीट जारी कर दी गई है। जैसे आपका बीएड की डेट शीट भी जारी कर दी गई है, जो आपके सेमेस्टर मोड के कोर्सेज हैं उनकी भी डेट शीट जारी कर दी गई है, जो हमारे एनुअल कोर्सेज हैं बीए बीएससी बीकॉम है उनकी भी डेट शीट जारी कर दी गई है। अब बच्चों का कंफ्यूजन हो रहा है कि एलएलबी फाइनल ईयर के यानी कि जो 6th सेमेस्टर है उसकी डेट शीट नहीं मिल रही है, या आपका जो एमए है एमए की आपको डेट शीट नहीं मिल रही है, एमकॉम की डेट शीट, एमएससी की डेट शीट में आपके पेपर कोड नहीं मिल रहे हैं। तो साथियों आप परेशान मत हुई, कंफ्यूज मत हुई, जो अभी डेट शीट जारी की गई है ये आपके प्राइवेट वालों की डेट शीट जारी की गई है, इसमें कुछ पेपर आपके आपको नहीं मिल रहे होंगे। तो आपकी जो डेट शीट है वो भी आज या कल में जारी कर दी जाएगी, यानी कि आपकी जो डेट शीट है वो भी बहुत जल्द आ जाएगी। ये जो डेट शीट है ये प्राइवेट वाले स्टूडेंट की डेट शीट है, इसमें आपके कोड कुछ कोड आपको नहीं मिल रहे हैं, तो उसके लिए आप परेशान मत होइएगा, आपकी डेट शीट हो सकता है आज जारी कर दी जाए। तो जैसे ही जारी की जाएगी तो वो मैं अपने फेसबुक पेज पर अपडेट करता हूं, जितनी भी आपकी जो सीसीएस यूनिवर्सिटी से रिलेटेड पोस्ट होती है वो सब मैं अपने फेसबुक पेज पर अपडेट करता रहता हूं। तो उसके लिए आप फेसबुक पेज को जरूर लाइक कर लीजिएगा, जैसे डीएलएड का कल नोटिफिकेशन आया तो वो भी मैंने अपने फेसबुक पेज पर अपडेट किया था, तो वो आपको सब सारी चीजें मिलती रहे, तो उसके लिए आप फेसबुक पेज को जो फॉलो कर लीजिएगा। तो साथियों ऑलमोस्ट आपके जितने भी क्वेश्चन क्वेरी थे उन सब के मैंने आंसर आपको कर दिए हैं। यदि अभी भी आपको कोई डाउट या क्वेश्चन रह गया है तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं जितने जल्द से जल्द होगा उसका आंसर या उस पर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। तो चलिए साथियों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।